हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं किचन की कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगी आप लोगों को, जो मैंने अपने अनुभव से हासिल किया है। ये है बादाम और मुनक्का। हम लोग अक्सर बादाम फुलाकर खाते हैं रात में, लेकिन ठंडी में जिन्हें कफ सर्दी रहता है उन्हें बादाम फुलाकर नहीं खाना चाहिए, गर्मी में खाइए। और हम मुनक्का फुला करके उसका पानी पीते हैं और उसे चबा चबा करके खाते हैं, लेकिन रात भर का भिगाया हुआ अगर हम सुबह में खाते हैं तो हमें वो फ़ायदा नहीं करेगा, वो हमको सर्दी कफ और बढ़ा देगा। तो उसके लिए मैं इसे गर्म पानी में डाल देती हूँ। एकदम एक मिनट के लिए आप खौलाइए और उसको गैस बंद कर दीजिए। उसके बाद आप इसका छिलका उतार करके देखिए, बहुत जल्दी इसके छिलके उतर जाते हैं। ये देखिए, हाथ से मैंने छुआ और इसके छिलके उतर गए। ये देखिए ये छिलके उतर जाते हैं बहुत जल्दी। और ये मुनक्का है, मुनक्का भी इसमें फूल गया। इसको चबा चबा करके हम खा लेंगे और इसका गरम गरम पानी पियेंगे तो अच्छा लगेगा। सुबह सुबह चाय पीने की भी ज़रूरत नहीं है और ये बहुत टेस्टी भी लगता है। आप लोग करके देखिए, आप लोग को फ़ायदा लगेगा। अब आते हैं, ये है हमारा अदरक हरी मिर्ची। ये अदरक हम लेके आते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। ये देखिए कैसे इसमें पानी छोड़ दिया और ये चिपचिपा सा हो गया, इसमें पानी निकल रहा है। अदरक को हमें फ्रीज में नहीं रखनी चाहिए, जब हम लाएं तो उसे बाहर ही रखें। ये देखिए, ये मेरे फ्रीज का रखा हुआ नहीं है, ये बाहर है, कितना सूखा हुआ है। और ये ज़्यादा दिन चलता है, और फ्रीज वाला हमें पता ही नहीं चलता है कि अदरक को क्या हो गया है, चिपचिप हो जाता है। और ये देखिए कैसे हो गया है, और ये गलना शुरू हो जाता है। जब भी अदरक लाएँ फ्रीज से बाहर रखें। ये है हरी मिर्ची, ये हरी मिर्ची दोनों मेरा एक ही साथ का लाया हुआ है, ये वाले और ये वाले, दोनों में अंतर है। एक सप्ताह हो गया है, इसका भी और इसका भी एक ही साथ है। थोड़ा सा मैं फ्रिज से बाहर रख ली थी। इसको मैं डंठल निकाल के, और ये देखिए एक डलिया में मैं पेपर डाली हूँ, हार्ड सा पेपर डाल के और इसमें रख के, और दूसरे पेपर से मैं इसको ऐसे ढक दी हूँ। जब ज़रूरत होता है मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। और ये मेरा जब तक भी रहे, 15 दिन महीना दिन, ये मेरा थोड़ा सा सूख जाता है, लेकिन ये हरा का हरा ही रहता है और अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। अभी वो ठंडी में धनिया, धनिया पत्ती जब भी मैं लाती हूँ इस तरह से रखती हूँ कांच के ग्लास में, ट्रांसपेरेंट, अच्छा लगता है। इसे मैं किचन में फ्रिज के ऊपर रखती हूँ और बहुत सुंदर हरा भरा मुझे लगता है। हरे भरे पौधे लगाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका पानी मैं चेंज करती रहती हूँ। इसमें क्या होगा कि जो नीचे में हमारा छोटा छोटा धनिया रहता है ना, उसको आप गौर से देखिएगा, वो ग्रोथ करने लगता है। छोटे छोटे बीज के जो पत्ते होते हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं और हरा भरा किचन में अच्छा लगता है। जो डैमेज होने लगता है उसी पत्ते को मैं पहले यूज करती हूँ और सुंदर लगता है देखने में। इस तरह से मैं फ्रिज के ऊपर रखी रहती हूँ। ये है लहसुन। लहसुन को ऐसे पैक करके पॉलीथीन में बांध के और आप फ्रिज में रखिए। छीलना बहुत ही आसान हो जाता है, इतनी आसानी से छिल जाती है कि जब आप फ्रिज में रखिए, आज रखिए और कल छील करके देखिए इस लहसुन को, आपको बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं। ये है मेरा गुलाब, ये है मेरा गुलाब, मैं छत पे लगाई हूँ। इसको मैं पानी में डाली हूँ, ये देखिए पानी में मैं डाल के इसको मैं डाइनिंग हॉल में टेबल पे रखती हूँ। ऐसा देखना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत डाइनिंग हॉल की खूबसूरती बढ़ा देती है। हल्की हल्की खुशबू भी इसमें से आती रहती है। ये मैं तोड़ती हूँ छत पे, मेरा गुलाब का लोकल है, हाइब्रिड नहीं है, लोकल मैं लगाई हुई हूँ। इसको तोड़ती हूँ, भगवान को चढ़ाती हूँ। शाम में मैं इसको पानी में डाल के ऐसे रख देती हूँ 2-3 दिन तक। देखिए कैसे फ्रेश रहता है और हमारे डाइनिंग हॉल की खूबसूरती बढ़ा देती है। ये लहसुन है, इसको जब आप पेस्ट बना कर रखते हैं, मैं पेस्ट बना कर के नहीं रखती हूँ, मैं आराम से छील के हर रोज़ पीस के ही सब्जी में डालती हूँ। लेकिन सबके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप जब इसका पेस्ट बनाते हैं तो आप इसको छील लीजिए बराबर बराबर, जितना और लहसुन उतना अदरक को आप छील के, अदरक को धो के छील के धो के धूप में सुखा लीजिए एक दिन, और लहसुन को छील लीजिए। छीलने के बाद इसको जो है ऐसे मिक्सी में पीस के पेस्ट बनाइए। उसमें थोड़ा सा जो सरसों तेल डाल दीजिए, 1 चम्मच सरसों तेल डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल के मिक्सी में चला दीजिए।
शीशे के जार में भर के फ्रिज में रखिए, आपका वो महीनों तक ख़राब नहीं होगा। और ये तो इमेजिंग हो गया, मैं एक बार लाई थी सब्जी के साथ लहसुन खरीद करके, गलती से मैं इसे फ्रिज में रख दी, कल होकर के निकाली और छीली तो बहुत ही अच्छे से मेरा छिल गया, तब से मेरे लिए आसान हो गया। मैं एक दिन पहले छील के और फ्रिज में रख देती हूँ और ताज़ा ताज़ा पेस्ट बना करके और मैं सब्जी में डालती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपने अनुभव आप लोग के साथ शेयर करती हूँ।